नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस महीने की टॉप 5 वैकेंसीज को, गवर्नमेंट वैकेंसीज को। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में और इन 5 वैकेंसीज को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं और इनमें बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इन सब 5 वैकेंसीज को आप अच्छे से देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लीजिए, एज लिमिट को देख लीजिए और इनके एडवर्टीजमेंट को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और जिसमें आप लोग एलिजिबल हैं उनमें आप फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो, हर एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं पहला पोस्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है SSC GD कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। ठीक है, इस महीने ही आने वाली है। किस तारीख को आने वाली है ये भर्ती, यानी कि फॉर्म जो ऑनलाइन शुरू होगा ये होगा 25 मार्च 2021 को। ठीक है, कब चालू होगा, तो 25 मार्च 2021 को ये फॉर्म भरा जाना चालू होगा। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग यहाँ पे 60,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, इसमें 60,000 प्लस वैकेंसीज होगी। किस पोस्ट के लिए, तो GD के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम डेट देख लेते हैं, एग्जाम डेट कब होगा। एग्जाम डेट है 2 अगस्त 2021 से शुरू हो जाएंगे एग्जाम इसके। ठीक है, यानी कि काफ़ी अच्छा टाइम आपको मिल रहा है। 25 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे और 2 अगस्त के बाद से आपके एग्जाम शुरू होंगे, यानी कि 2 अगस्त से शुरू हो जाएंगे आपके एग्जाम। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है। ठीक है, एग्जाम में एग्जाम की तैयारी करने के लिए फुल टाइम मिलेगा, आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, चलिए इसमें हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो 10th होगा, मेल एंड फीमेल कोई भी इसमें भर सकता है, किसी भी कैटेगरी का हो भर सकता है। ठीक है, बाकी एज लिमिट क्या होगी इसकी, तो एज लिमिट जनरल जो है वो 18 से 23 के बीच में होना चाहिए। बाकी SC ST OBC इनको जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो छूट मिलना है वो इनको मिलेगा। ठीक है, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से, काफ़ी अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, आप इसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली वैकेंसी को हम देखते हैं। तो अगली वैकेंसी है RUVNL वेरियस पोस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि ये है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो कितनी है इसमें, ठीक है 1295। ठीक है, कितने हैं 1295 होगा। एज लिमिट है इसमें, ठीक है एज लिमिट जो है 18 से 43 वर्ष तक के एज के लोग इसमें भर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एज क्राइटेरिया है और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटी भी इसमें दी गई है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, ठीक है क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, ठीक है तो ये है 12th से स्टार्ट है और क्या स्नातक, ठीक है स्नातक तक की यहाँ पर डिग्री को मांगी गई है। ठीक है, कुछ में 12th भी है, कुछ में स्नातक है, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग ये सब योग्यताएं हैं, तो उसको आपको अपने योग्यता के अनुसार इस फॉर्म को भरना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा है, ये है आपका RBI ऑफिस अटेंडेंट की। ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, या कह सकते हैं इसमें वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो 1841 यहां पे पोस्ट निकले हुए हैं। ठीक है, कितने निकले हुए हैं 1841 इसमें पोस्ट निकले हुए हैं। लास्ट डेट यानी कि इसके फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म कितना है 15 मार्च। ठीक है, काफ़ी नज़दीक आ चुका है, 15 मार्च इसका लास्ट डेट है ना। इसके बाद इसमें हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों 10th होना चाहिए, ठीक है, या फिर अगर ऊपर है तो अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन पूरा नहीं होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, ओके। और इसमें अगर हम एग्जाम डेट की बात करेंगे तो एग्जाम डेट जो है वो है आपका 9 अप्रैल और क्या है 10 अप्रैल 2021 को, ठीक है, अप्रैल में है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट अगर हम बात करें यहाँ पर तो 18 से 25 वर्ष है, ठीक है, 18 से 25 वर्ष इसकी एज लिमिट है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने इस क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो करते हैं तो आरबीआई में बिल्कुल भर सकते हैं फॉर्म, 3-4 दिन बचा हुआ है, इसमें भी भर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने बताया था एसएससी जीडी की जो भर्ती आने वाली है 25 मार्च से फॉर्म आने वाले हैं, उसमें भी भर सकते हैं अगर आप अपने उसके नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी तो वो भर्ती आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें एडवर्टीजमेंट में क्लियर हो जाती है, तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर देखेंगे, ठीक है। मैं उसके एडवर्टीजमेंट को क्लियर करा दूंगा, ऐसे ही उसकी एडवर्टीजमेंट जारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं अगली भर्ती को, तो अब हम चौथे वैकेंसी को देख लेते हैं, NTADU वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो है आपका 1145 पद, ठीक है, 1145 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं, भरे जा रहे हैं, ओके। और लास्ट डेट क्या है इसकी, तो लास्ट डेट है 17 मार्च, ठीक है, 2021 इसकी लास्ट डेट है, तो फटाफट जाइए इस फॉर्म को भर लीजिए, ठीक है। अब हम पांचवे पे आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपी की भर्ती है, ठीक है, UPSI, ठीक है, पोस्ट के लिए ये भर्ती निकल चुकी है, ठीक है। इसका जो टोटल कितनी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी इसकी कितनी है, 9500 कितना है, 9534 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, कितनी, 9534 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। इसके लिए आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन 1/4/2021 से भरे जाएंगे, किस कब से भरे जाएंगे, 1/4/2021 से, और लास्ट डेट क्या होगा, ठीक है, ये लास्ट डेट होगा 30/4/2021, कब होगा। और अब हम देख लेते हैं एग्जाम डेट क्या होगा, तो एग्जाम डेट क्या होगा, नोटिफाइड सून, ठीक है, अभी एग्जाम डेट क्लियर नहीं किया गया है कब होगा, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी, एलिजिबिलिटी होगा ग्रेजुएशन, ठीक है, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग इसमें जो उसके फिजिकल स्टैंडर्ड हैं उनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी होता है उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें मेल और फीमेल कोई भी फॉर्म भर सकता है। इसकी फीस जो है, इसकी फीस है 400 रुपये, ठीक है, किसी भी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, या फिर महिला हो, कोई भी कैंडिडेट हो, सबके लिए फीस जो है एक बराबर रखी गई है यहाँ पर 400 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो पांचों वैकेंसीज मैंने बताई हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसमें आप लोग फॉर्म डाले होंगे या फिर डालने वाले होंगे या फिर डालेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी।
ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।